So good morning to all of you. Good morning, students. Today we are on day 12th, and again we are starting the same topic, dishonor of endorse bill. Dishonor of the bill, जिसे हमने पहले endorse किया था. कल भी हमने ये topic किया था. आज वापस हम ये ले रहे हैं क्योंकि एक दिन से सफलता इस टॉपिक में मिल ही नहीं सकती, राइट? लेकिन कंसेप्ट बहुत मजेदार है बेटा, अगर आप इसे समझना चाहें तो. सिंपल सी कहानी थी. ए ने गुड्स सोल्ड किया बच्चों. किसको सोल्ड किया बच्चों गुड्स? बी को सोल्ड किया. और सपोज ये था 20,000 रुपीज का बिल, और सपोज ये 3 months का बिल था बच्चों. अब ए के पास ये बिल पड़ा था एज अ प्रॉपर्टी, एज एन असेट, लेकिन ए को भी तो किसी को पैसे देने हो सकते हैं. ए ने गुड्स खरीदा था आज से कुछ टाइम पहले सी से, और सी फोन कर रहा है हमें. हम ए हैं, हमें सी रोज क्या कर रहा है? फोन. ड्रॉवर है हम, ड्रॉवर. एंड सी इज कॉन्टेक्टिंग अस डेली कि भाई मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे. हमने कहा भाई सी एक बात सुन, पैसे तो नहीं है, हमारे पास एक बिल पड़ा है, बीआर पड़ा है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? एंडोर्स कर सकते हैं, राइट? तो सी ने कहा देख मुझे तो पता नहीं एंडोर्स एंड ऑल, मुझे मेरा पैसा चाहिए. हमने कहा देख एज ऑफ नाउ हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ समय बाद हमारे पास एक बिल है, ये तुझे देते हैं. तो ये बिल लेके किसके पास जाना? बी के पास, और बी तुझे पैसा दे देगा. सी ने पूछा पक्का दे देगा? हमने कहा हाँ भाई, वो हमारा ड्रॉई है, पैसे दे देगा. और होता क्या है बेटा सच में, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम रिविजन कर रहे हैं, इस टॉपिक की खास बात क्या है कि ड्रॉई सी को पैसा देगा या नहीं देगा, बताइए बच्चों. यस, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल. और उसके बाद क्या होगा ये हम में से किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है. सर कुछ भी बोले तो हम पहले सी हमारी ऐसी तैसी करेगा, और हम किसकी करेंगे बताओ बेटा? हम किसकी ऐसी तैसी करेंगे? यस, बी की. बी की, ड्रॉई की, है ना समरजीत? स्टेटस के साथ ही ऐसे ही कर देंगे अपन, अपन ऐसे ही कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है सर, राइट? और इट्स नॉट इजी, सीरियसली ये कोई मजाक नहीं है. फिर हो सकता है ए और सी का पहले हिसाब किताब होगा, हो सकता है ए सी को पैसे दे दे, हो सकता है कुछ पैसे दे और बाकी बिल एक्सेप्ट कर ले. फिर ए बी को कॉल करेगा भाई मेरा पैसा दे, हो सकता है बी हमें कुछ पैसा अभी दे दे और बाकी के लिए इंटरेस्ट हमारे उससे हम उससे चार्ज करें. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. इसको कंफर्मेशन के लिए, बेस्ट के लिए हमें 3 से 4 क्वेश्चन या एग्जांपल करने होंगे बेटा. सेम टॉपिक आपकी बुक में है, पर एग्जांपल्स आई थिंक 22 से ही स्टार्ट होंगे. मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एग्जांपल देख लो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तब आंसर पे डायरेक्टली फोकस ना करें, पहले अपना खुद का दिमाग लगाएं. एंड एट द एंड यू विल बी हैविंग आंसर आल्सो, जहां आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं की. आइए आज का एक क्वेश्चन पिक करते हैं बेटा. कम क्वेश्चंस करो लेकिन इतने अच्छे तरीके से करो कि दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए बिल्कुल. उसमें बेनिफिट ये होगा कम क्वेश्चंस में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, यू विल एंजॉय. क्वेश्चन नंबर 24 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 चेक करते हैं बेटा. 1 फरवरी को मोहन ने नरेश को गुड सोल्ड किया. मोहन, मोहन बन गया ड्रॉवर. किसे गुड सोल्ड किया बच्चों? नरेश को गुड सोल्ड किया. कब किया? द डेट February 1, 2017 को सोल्ड किया सर. ठीक है बच्चों, मोहन कौन बन गया? ड्रॉवर. और नरेश क्या बन गया? ड्रॉई. आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आने वाला है. गुड सोल्ड किया था मोहन ने 25,000 रुपीज का. हाउ मच रुपीज? 25,000. एक और सजेशन दे रहा हूँ बीच में, जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, अगर कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दिखे तो घबराने का नहीं, एक क्वालिटी अंदर डेवलप कर लो फॉर एवर. जब भी आप स्टडीज करो एक क्वालिटी, पता है क्या क्वालिटी? उसी लाइन पे फोकस करो जो लाइन आप पढ़ रहे हैं. हम बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं? हम पूरा क्वेश्चन एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, हमारी आईज चली जाती है ना, इधर उधर जाती है कि नहीं जाती, सही से बताइए. और उससे क्या प्रॉब्लम आता है पता है बच्चों? हमें एक आसान क्वेश्चन भी हार्ड लगने लगता है बच्चों. तो अगर आप इस चीज से बचना चाहें तो आज का मेरा सजेशन, अपने दिमाग में बांध लो, दिमाग में नोट डाउन कर लो कि सर कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे, केवल उसी को स्कैन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी, मोहन ने गुड सोल्ड किया और 90 days का बिल ड्रॉ किया. इट इज नॉट ऑफ मंथ्स, ये डेज की बात है, एक एक दिन गिनना पड़ेगा
ड्यू डेट आप में से जो भी बच्चा कैलकुलेट करना चाहे कर सकता है, हम वेट करेंगे और हम आगे चलते रहेंगे उसके लिए, ड्यू डेट के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलिए, नरेश ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफकोर्स वो करेगा भी सही, और मोहन ने ये बिल इमीडिएटली एंडोर्स कर दिया बच्चों, इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर राजा। राजा को हमने, सर हमें सबसे पहले अपने आप को क्या मानना चाहिए, ड्रॉवर। हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए कि हम ड्रॉवर हैं, और ड्रॉई कौन है बच्चों, ड्रॉई नरेश। ड्रॉई कौन बन जाएगा, नरेश। और जो ये राजा है इसे हम क्या कह सकते हैं, एंडोर्सी। इसे हम कह सकते हैं बच्चों, एंडोर्सी। चले आगे, आगे लिखा है कि हमने ये जो बिल एंडोर्स किया ना, हमें राजा को देने थे 25,300 रुपीस, बट हमने राजा को कहा भाई हमारे पास पहली बात अभी पैसे नहीं है, बिल पड़ा है, और वो बिल भी कितने रुपीस का है, 25,000 का। बताओ बेटा मोहन को कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताया बच्चों, बताइए। यस, प्रॉफिट। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज। और राजा को नुकसान हो गया, लेकिन राजा कह रहा है कोई बात नहीं यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे पैसे चाहिए भाई, सीधी सी बात, और पैसे तो मिले भी नहीं है, क्या मिला है, बिल मिला है, जिसे राजा कहाँ प्रेजेंट करेगा बच्चों, नरेश के पास जाकर, और नरेश पक्की बात है पैसे नहीं देगा, नरेश पैसे नहीं देगा, तभी तो इसे डिसऑनर बोलेंगे। तो दिव्यांश कल वाले क्वेश्चन के जैसे ही फीलिंग है यार, इट्स ईजी। आप अपन चेक करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आने वाला है, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। होगा क्या, पैसे तो देने हैं, थोड़े कम थोड़े ज्यादा, देखते हैं, चेक करते हैं। आगे लिखा है, 1 week बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, नरेश ने रिक्वेस्ट किया मोहन को कि बिल को कैंसिल कर दो। ओहो हो, नरेश ने ड्यू डेट से 1 week पहले, अब आप में से किसी ने भी अभी तक मुझे ड्यू डेट नहीं बताई बच्चों, क्यों भाई बताइए बच्चों, 11 थर्ड में एक्चुअल ड्यू डेट, एक्चुअल ड्यू डेट प्लीज, व्हाट विल बी द ड्यू डेट, आराम 4 में, 3rd मई, कोई 3rd में बोल रहा है, कोई 4th में बोल रहा है बच्चों, अब ये तो आपका रिस्पांसिबिलिटी बनता है, मैं तो इतना कर सकता हूं, ये 11th में होगा सर, ओ माय गॉड 11th में आ रहा है, हम फाइनल ड्यू डेट पूछ रहे हैं, एक हफ्ते पहले वाली 5th में, लो जी एक नया आंसर आ गया 5th में, ओ माय गॉड। इसके ऊपर मैं एफर्ट्स करता हूं आपके साथ मिलकर, फैब में 28 डेज होते हैं, एक दिन चला गया, फैब के डेज बचे 27, मार्च के डेज 31, ठीक है ना, और अप्रैल के अंदर 30, एक बार इसका टोटल लगाते हैं 11 में है सर, रुको रुको ये भी चेक कर लेते हैं, एक बार इन सबका टोटल लगाते हैं, 30, 30, 60, 60, 61, 68, 78, 88, 88 डेज हो गया बेटा, अप्रैल एंड तक 88 डेज हो गया, प्लस 2 डेज और चाहिए, वो 2 दिन कौन से मंथ के होंगे, मई मंथ के होंगे, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड, 100% परफेक्ट नहीं आ रही है, 5th मई द फाइनल ड्यू डेट विल बी 5th ऑफ मई। यहां पर भी टेंशन हो जाता है कई बार क्या करें, बट डजंट मैटर, अगर आप में से किसी बच्चे ने डेट गलत लिखी, एंट्री सही लिखी, आधा नंबर काट लेगा टीचर, और तो क्या है बेटा, और एक हफ्ते पहले, 1 week बिफोर द मैच्योरिटी, नरेश आया हमारे पास, मोहन के पास, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज कोर्ट मत जाना, कोर्ट मत जाना, क्यों कोर्ट जाके, नोटिंग चार्जेस और मेरे ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हो, मैं खुद चला के कह रहा हूं आई डोंट हैव मनी। अब 1 week बिफोर, 1 week बिफोर कौन सी डेट लिखे हैं बच्चों बताइए, 28 अप्रैल, अप्रैल 28, ये लीजिए अप्रैल 28, बिल कैंसिलेशन की एंट्री करनी पड़ेगी अप्रैल 28 को, और उसके आगे क्या लिखा है देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा है, मोहन, नरेश ने मोहन को रिक्वेस्ट किया प्लीज बिल को कैंसिल कर दो और एक नया बिल ड्रॉ कर दो जिसके ऊपर 400 रुपए इंटरेस्ट भी ले लेना। हमने कहा चल ठीक है भाई, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं, सीधी सी बात, न्यू बिल ड्रॉ किया, किसने ड्रॉ किया, मोहन ने, मोहन ने ड्रॉ किया, किसके ऊपर ड्रॉ किया, नरेश के ऊपर, जिसमें अमाउंट ऑफ बिल भी चार्ज करेंगे हम, प्लस क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे हमें कैश में नहीं मिल रहे, इंटरेस्ट के पैसे बच्चों में कैश में नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं सर कर देंगे, अमाउंट ऑफ बिल तो हम सबको पता ही है बच्चों, अमाउंट ऑफ बिल कितना था, कितने रुपीज का बिल था ये, 25,000,
25,000 प्लस इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं 400, यानी कि नया बिल ड्रॉ किया जाएगा 25,400 रुपीस का। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में। अब राजा हमें कॉल करेगा, हाँ जी मोहन जी व्हाट हैपेंड, मेरा पैसा नहीं मिला। नरेश तुम्हारा गद्दार किस्म का इंसान, तुम्हारे ड्रॉइंग ने तो पैसे नहीं दिए, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है आगे देखिए, मोहन इमीडिएटली टुक द बिल फ्रॉम राजा बाय मेकिंग द पेमेंट टू हिम एंड देन ड्रू अपॉन नरेश अ न्यू बिल फॉर 30 डेज। ये वापस से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ध्यान से सुनना। नरेश हमारे पास आया एक हफ्ता पहले मैच्योरिटी डेट से, वन वीक बिफोर, और उसने रिक्वेस्ट किया 400 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करो, एक नया बिल ड्रॉ करो। हमने वो चीज मान ली। इसके बाद आगे लिखा है मोहन, यानी कि हम ड्रॉवर, हमने क्या किया, मोहन इमीडिएटली टुक द बिल फ्रॉम राजा। मोहन ने तुरंत राजा को कॉल लगाया, भाई साहब रुक जाओ, मत जाना नरेश के पास, हमारा बिल हमें वापस दो। राजा ने कहा क्यों दे भाई वापस, नरेश के पास जाना है, हम चले जाएंगे। हमने कहा भाई नरेश के पास जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हमने नरेश से फोन रिसीव किया है और नरेश कह रहे उसके पास पैसा नहीं है भाई। तो राजा ने कहा फिर मुझे मेरा पैसा कौन देगा, हु विल गिव माई मनी। हमने कहा हम ही देंगे यार, हमें ही देना है मोहन, है हमें तुम्हें पैसा देना है, बिल वापस करो। और इमीडिएटली हमने क्या किया बच्चों बताइए, इमीडिएटली हमने क्या किया, क्वेश्चन में आगे लिखा है हमने इमीडिएटली उसको पैसा दे दिया। यानी कि जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, मोहन ने राजा को अमाउंट पे कर दिया। लेकिन कितना अमाउंट पे करेगा, हम राजा को कितना अमाउंट पे करेंगे, कोई बताना चाहेगा बच्चों कितना? 25,300 मत बोलना, वैसे तो बिल डिसऑनर हुआ ही हुआ है, बट हमने राजा को कहा भाई तुम्हें हम पैसा तो दे रहे हैं ना, नरेश से नहीं मिला तो क्या हुआ, हम तुम्हें तुरंत कैश दे रहे हैं। तुरंत हमने राजा को पेमेंट किया और साथ साथ हमने नया बिल ड्रॉ कर दिया अपने ड्रॉई के ऊपर, कितने डेज का, 30 डेज का। फिर एक एक दिन गिनना पड़ेगा, एक एक दिन गिनना पड़ेगा, राइट। और क्वेश्चन ये अराइज, रुकिए अब आप सब मुझे सोच के बताइए, ये नया 30 दिन का जो मीटर है, मीटर ये कब से स्टार्ट होगा? दो ऑप्शंस हैं आपके पास, 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा या 5 मई से, सोच लो बेटा, सोच लो आप में, ऑल ऑफ यू थिंक ऑन इट। 28 अप्रैल से होगा, सोच लो बेटा, आप सभी आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सर जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन से होना चाहिए, जिस दिन ड्रॉ किया है उसी दिन से होना चाहिए। तो देखिए एक बात सुनिए, जो मेरा व्यू है कि नरेश ने हमें कॉल किया और बिल कैंसिलेशन के लिए बोला 28 अप्रैल को, और वहां वो हमें कह रहा है कि भैया तुरंत मेरे को एक नया बिल ड्रॉ कर दो, मैं खुद आपसे स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं अभी पैसे नहीं दे पा रहा, और 30 डेज का बिल ड्रॉ कर दो। तो बेटा वो अप्रैल 28 से ही तो होना चाहिए, क्योंकि इसी दिन तो हमारे बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो नया बिल का जो ड्यू डेट। हाँ बोलो सर, लेकिन वो बिल भी तो कंटिन्यू हो रहा था सर 5 मई तक, वो बिल हो रहा है बेटा। एक काम करते हैं, हम सभी एक कॉमन बात करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन सेम एग्जांपल आप देखना, ठीक है, और उसमें आप सबका, हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गया कि हम सब अपनी बुक्स में एग्जांपल में चेक करेंगे, ऐसी सिचुएशन दिखेगी आपको एग्जांपल में, वहां हम सब मिलकर ये चेक करेंगे कि बिल जब बीच में कैंसिल हुआ 5 दिन 10 दिन पहले, नया बिल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सबके लिए होमवर्क हो गया बेटा, इसमें तो थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट का समय देना है आपको। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं, बहुत समझ लिया क्वेश्चन, फर्स्ट एंट्री मोहन की बुक्स में, तीनों की बुक्स में करते हैं। और बोलिए एक क्वेश्चन कर लो दबा के, बढ़िया। चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेट को आप घर पे भी होमवर्क डेट का कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बुक्स में। सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई है मोहन की बुक्स में, और मोहन कौन है बच्चों, ड्रॉवर। आप में से जो बच्चा सोचेगा हार्ड है तो बिलीव करें हार्ड ही है चैप्टर, इजी थोड़ी ना है। और जो बच्चा कहेगा प्रैक्टिस करनी है सर इजी बन जाएगा, उसके लिए चैप्टर सच में क्या बन जाएगा, इजी। सर सबसे पहले हम मोहन है, हमने क्या किया 2017 फेब फर्स्ट को गुड्स सोल्ड किया सर, किसे सोल्ड किया सर हमने, नरेश। द एंट्री विल बी नरेश जी आर। क्वेश्चन की
क्वालिटी पता है इतनी अच्छी क्या है कि एक ही बिल है, नहीं तो बार बार होता है कहीं क्वेश्चंस में तीन बिल ड्रॉ किए, दो बिल ड्रॉ किए. सो द क्वेश्चन इज वेरी इजी. नरेश डीआर टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड. हमने गुड सोल्ड किया 25,000 रुपीज का. ये लीजिए ये जर्नल चैप्टर का आपको थैंक यू बोलना चाहिए, जो आपने मेहनत करके सीखा था तभी ये एंट्री भी इजी लग रही है. फिर हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ये भी हमने वहां एंट्री कर रखी है. बीआर अकाउंट डीआर टू, किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? नरेश. बीआर अकाउंट डीआर टू नरेश. हाउ मच रुपीज बच्चों? हाउ मच? सेम अमाउंट 25,000 25,000. नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन. बीइंग बिल ड्रॉन, हमने बिल क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया. अब हमने इस बिल का क्या किया? हमारे पास तीन ऑप्शन थे सर, बेसिकली तीन ही ऑप्शन आपको ज्यादातर देखते हैं, रिटेन करके रखा, बैंक से डिस्काउंटेड कराया, या तीसरा ऑप्शन एंडोर्स कर दिया. हमने यहाँ तीसरी लाइफलाइन यूज की, हमने अपने बिल को एंडोर्स कर दिया. किसको एंडोर्स किया? सर राजा. हमने ये बिल दे दिया राजा. डेबिट द रिसीवर, जर्नल का रूल याद कीजिए, राजा बिकम्स द रिसीवर, राजा डीआर. लेकिन सर हमें राजा को देना था 25,300, लेकिन हमने जो अपना बीआर दिया सर, वाओ दैट्स गुड सर, हमने अपना जो बीआर दिया, जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा था, ये कितने रुपीस का था सर? ये था 25,000 रुपीस. देखो कितनी अच्छी चीज की ना हमने, एक तो पैसा नहीं दिया, क्या दिया? बिल, और उसमें भी 300 रुपए का चूना लगा दिया सामने वाले. टू डिस्काउंट रिसीव बिकॉज इट बिकम्स आवर प्रॉफिट. टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. नरेशन, नरेशन क्या होगा बच्चों? बीइंग बिल एंडोर्स. क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एंट्रीज में इतना टाइम नहीं लगता. पहला एंट्री गुड सोल्ड किया, दूसरा एंट्री बिल ड्रॉ किया, तीसरा एंट्री बिल एंडोर्स किया. अब एक हफ्ते पहले, यानी कि ड्यू डेट से 1 week बिफोर, कौन सी डेट? अप्रैल 28 को हमें हमारी बुक्स में एक एंट्री करनी पड़ेगी, जिसका नरेशन होगा बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर. बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर, वो बिल जो हमारे पास था ही नहीं, हमने एंडोर्स कर दिया था, वो डिसऑनर हो गया. और ऑफिशियल इसकी एंट्री पता है क्या होती है बेटा? डेटर्स डीआर टू क्रेडिटर. हमारे डेटर भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, यानी कि असेट वापस इंक्रीज हो जाएगी. हमारा डेटर कौन था बेटा? नरेश. हम नरेश से पैसे मांगेंगे, क्योंकि नरेश ने हमें फोन करके कह दिया मेरे पास पैसे अभी नहीं है. और हमारी लायबिलिटी भी, यानी कि राजा जो हमारी लायबिलिटी थी, ये भी वापस से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. डेटर्स डीआर टू क्रेडिटर्स, ये वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन होती है बेटा, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाना. ठीक है, तो हमारा डेटर कौन था? नरेश. हमने नरेश को डेबिट किया, नरेश डीआर, और राजा का अकाउंट डेबिट से वापस क्या किया? क्रेडिट किया. अब राजा पता है अभी हमें, राजा ने क्या चीज बोली? ये डिस्काउंट भी कैंसिल करो, मैं डिस्काउंट नहीं मानूंगा, आप मुझे पूरे पैसे चाहिए. हमने कहा राजा जी 2 मिनट रुकिए, हम आपको तुरंत, आपकी बुक में लैंग्वेज लिखा है, ऑल ऑफ यू चेक कर लो. हमने तुरंत राजा से बिल लिया और राजा को पेमेंट कर दिया. तो अगली एंट्री में सबसे पहले राजा को फ्री करो. राजा क्रेडिट से वापस कहां आ गया बच्चों? डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक. हमने राजा को कहा भाई सॉरी, हमें नहीं पता था कि नरेश हमारे साथ चीट करेगा, हम नरेश से अपने आप हिसाब कर लेंगे, तुम अपना पैसा ले लो, लेकिन प्लीज बीच में डिस्काउंट वर्ड मत लाओ, तुम्हें 25,000 मिलने चाहिए थे ना, हम दे रहे हैं तुम्हें 25,000 फ्री, 300 रुपए डिस्काउंट बीच में मत लाओ. समझ रहे हैं बेटा आप बात? यानी कि हमारा बेनिफिट अभी भी 300 रुपए का बरकरार है, हम प्रॉफिट में ही है अभी भी. इसमें किसी को डाउट है तो बताइए बेटा. बीइंग अमाउंट पेड टू राजा, हमने अमाउंट पे कर दिया. किसको पे कर दिया? राजा को. मैं फिर से 1 मिनट का रिविजन कराता हूँ स्पीडली. हमने सबसे पहले गुड्स बेचा नरेश को, फिर नरेश के ऊपर क्या ड्रॉ किया बच्चों? बिल ड्रॉ किया. फिर हमने इस बिल को एंडोर्स किया, और एंडोर्स के बाद सीधा सीधा बिल क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर हो गया. डिसऑनर के बाद हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो डेटर से हिसाब किताब करना, और एक क्रेडिटर को जवाब देना कि अब हम उसे उसे क्या देंगे, उसे पैसा देंगे या नहीं देंगे, या बिल एक्सेप्ट करेंगे. तो हमने राजा को इस क्वेश्चन में, जो हमारा एंडोर्सी था या हमारा क्रेडिटर था, तुरंत पैसा दे दिया. अब हम कॉल लगा रहे हैं राजा को वापस से. बोल राजा, बोल तेरे साथ क्या किया जाए. तो राजा ने कहा प्लीज बुरा ना मानिए, मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कीजिए. ये प्रेजेंटेशन देखिए,
प्लीज ये प्रेजेंटेशन देखिए जिसपे मैं स्टार्स मार्क कर रहा हूँ। राजा ने कहा नया बिल ड्रॉ करो, कितने डेज का? 30 डेज लिखा है इसके नीचे, 30 डेज। और 30 डेज का राइट बेटा, और 400 रुपए में इंटरेस्ट भी देने को तैयार हूँ। हमने कहा इंटरेस्ट कैश में देगा क्या? उसने कहा नहीं, कैश पैसे का ना मतलब मेरे पास अभी पैसा नहीं है। हमने कहा मतलब फिर इसे तेरे बिल में ऐड करना है? उसने कहा सही पकड़े हैं। हमने कहा सही पकड़े हैं तो ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे सबसे पहले। सुनो, पहली एंट्री इंटरेस्ट की करेंगे, फिर अपने ड्रॉई के ऊपर नया बिल ड्रॉ करेंगे और फिर नए बिल का पैसा ले लेंगे, बात खत्म। हम चाहें तो इस नए बिल को भी बैंक से क्या करवा सकते हैं, डिस्काउंटेड करा सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, समझने में टाइम लगता है, एंट्री तो गिनती की है बेटा। तो अब हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 28 अप्रैल सेम डे डेट एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना, अभी एग्जाम्पल्स में स्टेप के राइट बेटा। आइए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 400 रुपीज। अब सोचिए हम ड्रॉवर हैं, हमारे लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट है या लॉस है, बताइए बच्चों, प्लीज बताइए, हेल्प कीजिए मेरी। प्रॉफिट हमारे लिए प्रॉफिट। क्या बात है, शुभांगी ने भी बोल ही दिया, चलो भाई वेरी गुड। हो सकता है इसने भी घेवर खाया हो तो इसके मुंह में एनर्जी आ गई हो, दिमाग में एनर्जी आ गई हो, और वेरी गुड इसने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड बेटा। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, आप टू इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, चलेगा, क्योंकि क्रेडिट में लिखा है इट मींस प्रॉफिट का सिंबल है 400। सर आप दिव्यांश, ऑल ऑफ यू ध्यान से सुन लो, इस इंटरेस्ट में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट हमें कैश में देगा या नहीं देगा, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के पैसे हमें कैश में नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा? हमारा डेटर, जिसका नाम क्या है बच्चों? नरेश। तो हम नरेश से वापिस से नरेश का अकाउंट और डेबिट कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। इट मींस हम नरेश को कह रहे हैं, नरेश तू घबरा मत, अब हम तुझसे 25,000 रुपए नहीं मांगेंगे, अब हम तुझसे 25,400 रुपीज मांगेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे वो कैश में नहीं दे रहा। इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड। अब हम सेम डेट पर उसके ऊपर नया बिल ड्रॉ कर देंगे और इसकी एंट्री इज वेरी इजी बच्चों। बी आर अकाउंट डी आर टू नरेश। बच्चों बताइए नए बिल की अमाउंट बताओ, ऑल ऑफ यू, यू कैन पार्टिसिपेट, कितने रुपीज? 25,400। वेरी गुड। क्योंकि 25, और अगर नोटिंग चार्जेस लगता ना उसके भी पैसे ऐड कर देते, हम छोड़ते नहीं अपने कस्टमर को, बट उसने पहले ही सॉरी कह दिया ना, रिक्वेस्ट कर लिया कि प्लीज नया बिल ड्रॉ कर दो और कोर्ट मत जाना, नोटिंग चार्जेस के पैसे मत लगाना, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप में से किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये चल रहा है, सर हम तो जाएंगे, अरे कोर्ट जाने से क्या हो जाएगा, केस करोगे? सनी देओल का डायलॉग नहीं सुना क्या इंडिया में? तारीख पे तारीख, मजाक चल रहा है क्या केस? इट्स नॉट ईजी टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द कोर्ट। तो हमने स्वीकार कर लिया और उसके ऊपर नया बिल ड्रॉ किया, बट विद इंटरेस्ट, राइट? न्यू बिल ड्रॉ और न्यू बिल ड्रॉ किया 25,400। और अब हमने इंतजार किया, क्या किया बच्चों? इंतजार। और अगर 28 अप्रैल से 30 डेज काउंट करते हैं तो कितना होगा बताइए? 2 दिन अप्रैल के और 28 डेज किसके? मई। तो बताओ क्या ड्यू डेट आनी चाहिए? अरे बाप रे, सब चुप हो गए। May 31st आनी चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू मी May 31st आनी चाहिए। आप एक एग्जाम्पल इस टाइप का चेक कर लेना, टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि जिस दिन बिल कैंसिल हुआ वहीं से हमने एक नया बिल ड्रॉ कर दिया, राइट? और इस नए बिल के पैसे मिल गए, बधाई हो बेटा, बधाई हो, पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट DR to BR। आपने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तब आपने गुड्स सोल्ड करके यही दो एंट्री सीखी थी, यस और नो? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, जब आपने फर्स्ट ये चैप्टर सीखा था क्या ऐसा कुछ नहीं किया था? गुड सोल्ड, देन बेटा सेकंड, वेरी गुड पंकज, सेकंड क्या किया था? बिल ड्रॉ, और थर्ड पैसा ले लिया। और आज क्या हुआ, जैसे आप सब बच्चे कई बार पढ़ाई में गद्दारी कर लेते हैं, रजिस्टर बनाने में गद्दारी कर लेते हैं, इन द सेम मैनर हमारे ड्रॉइंग ने भी थोड़ी सी क्या कर ली बेटा, गद्दारी। वो कह रहा है मैं दूंगा तो सही, बट थोड़ी नौटंकी करके दूंगा। जैसे बच्चों को कहते बेटा टेस्ट है, बेटा कल क्वेश्चंस चेक करेंगे, बच्चे कहते करेंगे तो सही, लेकिन जब तक सर आप पूरा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाओगे ना,
प्रिंसिपल मैम की धमकी या हमारे पेरेंट्स को फोन करने की धमकी, तब तक हम नहीं करेंगे सर। तो करना तो है ही ना एट द एंड। यहाँ पर भी ड्रॉइंग ने पेमेंट तो किया, बट बीच में थोड़ी सी क्या कर ली, नौटंकी कर ली, बिल डिसऑनर करा दिया, हमारे थोड़े नोटिंग चार्जेस के पैसे लगा दिए, फिर से बिल ड्रॉ करवाया और फाइनली नए बिल का पैसा मिल गया। चेक कर लो बेटा, अमाउंट ऑफ न्यू बिल रिसीव्ड या अमाउंट ऑफ बीआर रिसीव्ड। लो जी बच्चों पैसा मिल गया, हाउ मच, 25,400, 25,400। यस समरजीत बताइए बेटा। यस बेटा सर, गर्दारी खाली ड्रॉ ने थोड़ी करी है, ड्रॉ ने करी है, 700 रुपए जेब में डाल देना। 700 रुपए जेब में कहा डाले बेटा, बताओ कैसे? गुड्स तो 25,000 के ही तो बेचा है भाई, 25,000 से ले लिए, 400 से ले लिए। ओए हाय हाय हाय, क्या बात है भैया, क्या बात है, देखो दिमाग बहुत अच्छे से लगा रहे समर जी, राइट बेटा, दैट्स परफेक्ट। लेकिन देखिए 300 रुपए तो क्यों चार्ज किए या 400 रुपए क्यों चार्ज किए, क्योंकि उसने हमें ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया। अब ये तो आप दोस्ती यारी में भी कई बार कर लेते हैं ना, कि भाई 100 रुपए लिए थे आपके फ्रेंड ने, कहा 10 दिन में दे दूंगा, 15 दिन हो गए, अब 15 दिन बाद भी वो पैसे ना दे तो आप कहोगे ना, मैं तो भाई अब तुझसे 100 नहीं 120 रुपए लूंगा। इट इज वेरी इजी होता है, देखो तो आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे, राइट। चलिए अब सबसे पहले राजा की बुक्स में एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ एक दो एंट्री के अंदर गेम खत्म हो जाएगा। राजा की बुक्स में पहली एंट्री, आइए बच्चों पूरा क्वेश्चन अचीव करते हैं आज, कोशिश करते हैं जल्दी से। राजा, राजा एंडोर्सी है सर, राजा कौन है? एंडोर्सी। राजा ने सबसे पहले बिल रिसीव किया, तो राजा की बुक्स में जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी बीआर अकाउंट बीआर, चेक करो। और राजा अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए राजा बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों, इज इट ओके? हम कौन है? राजा, ठीक है ना। हमें बिल कितने का मिला? 25,000, लेकिन हम सामने वाले से पैसे कितने मांगते थे बच्चों बताइए? 25,300 मांगते थे, यानी कि राजा मोहन से कितने पैसे मांगता था बच्चों? 25,300, लेकिन बिल कितने का मिला? 25,300 का हमारा चूना लग गया, नुकसान हो गया। फॉर दैट वी विल ओपन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। और टू, ये बीआर हमें किससे मिला है बच्चों? मोहन से मिला है, टू मोहन। चेक इट आउट बेटा, चेक कर लीजिए, कहीं डाउट इसमें? मेरे हिसाब से कहीं पे भी डाउट नहीं है बेटा, राइट। इसको क्या कहेंगे? Being bill received, being BR received. और अब हमने due date पर, अब due date पर हमें पैसे मिले या नहीं मिले? हम राजा हैं बच्चों, हमें पैसे मिले या नहीं मिले बताइए? हमें पैसे नहीं मिले बच्चों, बच्चों हमें पैसे नहीं मिले, कहाँ मिले पैसे? ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर, यानी जैसे ही हमने अपना BR प्रेजेंट किया किसको, एक बार ये डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, आप राजा हैं, सबसे पहले एंट्री देखिए बेटा, आप राजा हैं, राइट। आपको बिल किससे मिला? मोहन से। और इंस्ट्रक्शन क्या मिला था बच्चों? कि हमें जाना है नरेश के पास। किसके पास जाना है? नरेश। हमने बिल ले लिया खुशी खुशी मोहन से, लेकिन जैसे ही हमने अपना बिल नरेश को दिया तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर, पैसा नहीं मिला। तो बीआर तो चला गया राजा के यहां से, बीआर तो चला गया लेकिन पैसा नहीं मिला। और राजा की बुक्स के हिसाब से सोचिए, हमारा डेटर था मोहन। आप राजा के ऊपर फिंगर करके देखिए, मोहन हमारा कौन था? डेटर। हमने मोहन को क्रेडिट पर गुड्स बेचा था, राजा की बुक्स में मोहन क्या है? डेटर है बेटा। पैसा नहीं मिला तो डेटर्स का अकाउंट वापिस से क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एंट्री देखो क्या होगी, मोहन डीआर, मोहन डीआर टू बीआर, मोहन डीआर टू बीआर विथ हाउ मच रुपीज? 25,000। जब ये एंट्री कर रहे थे तब हमने क्या बोला पता है मोहन को? कि भाई अब हम तुझसे 25,300 रुपए मांगेंगे। उसने कहा रुको रुको रुको, मैं अभी के अभी पैसा देता हूँ, मेरे ऊपर और मतलब चार्जेस मत लगाओ भाई, 300 रुपए वो तो डिस्काउंट था। हमने कहा ला फिर पैसा दे, पैसा दे तुरंत, सीधी सी बात। यानी कि बिल क्या हो गया बेटा? डिसऑनर। और सेम डेट पर हमें मोहन से क्या मिल गया? पैसा। और ये 1 वीक बिफोर वाला ही चल रहा है ड्यू डेट, क्योंकि 1 वीक बिफोर पे बात हो गई थी बेटा, क्योंकि फोन पे हमने आपस में सबसे बात कर लेना। डेट के ऊपर एक बार टेंशन मत लो, एटलीस्ट एंट्री समझ लो, वो भी एक अचीवमेंट है, राइट बेटा। ये लीजिए पैसा ले लो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू मोहन जी, क्रेडिट डेबिट से कहां आ जाएंगे? क्रेडिट में आ जाएंगे, और मोहन का अकाउंट हमारी बुक से वापस से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारा पैसा
मिल गया 25,000 25,000, डन बेटा। तीन ही एंट्रीज हुई हैं, किसी को भी राजा की बुक्स में अगर डाउट है तो मैं वेट करता हूँ, मुझे बताइए जल्दी से, नहीं तो मैं नेक्स्ट ड्रॉय की बुक्स में एंट्री करता हूँ। फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, बिल रिसीव हुआ। सेकेंड एंट्री, बिल डिसऑनर हो गया। थर्ड एंट्री, हमें फाइनली पैसा मिल गया, खत्म। अब किसके बुक्स में एंट्री सीखनी है बच्चों? सर ड्रॉई, आइए ड्रॉई कौन है चेक करते हैं। सर ड्रॉई है इस क्वेश्चन में, ड्रॉई कौन था? नरेश। आइए बच्चों, we have only few minutes left, तो जल्दी से नरेश की बुक्स में एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको टॉपिक इजी बनाना है तो प्लीज अपने आप को नरेश मानिए, नहीं तो टॉपिक इजी नहीं बनेगा, कंफर्म बोल रहा हूँ बेटा मैं, राइट? हम नरेश हैं, इन शॉर्ट वी कैन से वी आर ड्रॉई। हमने सबसे पहले, देखो डेट इग्नोर करा क्योंकि एंट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहली एंट्री, सर गुड्स परचेज किया, डेट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रॉवर की बुक्स के हिसाब से देखना चल जाएगा बेटा, बिंदास चलेगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डीआर, हम नरेश है, हमने गुड्स खरीदा, हमने किससे गुड्स खरीदा? सर मोहन से गुड्स खरीदा। परचेज अकाउंट डीआर टू मोहन विद हाउ मच रुपीज? सर 25,000 25,000 25 25। नरेशन, गुड्स परचेज, कितना इजी है पहला एंट्री। धीरे धीरे समझेंगे तो क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। सर फिर हमने क्या किया? सर हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया। द सेकंड एंट्री विल बी मोहन डीआर टू बीपी, मोहन डीआर टू बीपी, सर हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया। हाउ मच रुपीस? 25,000 25,000, राइट बच्चों? आगे चले फिर सर, अब सीधा वन वीक बिफोर द ड्यू डेट, वन वीक बिफोर ड्यू डेट, वो डेट आप लिख सकते हो, राइट बेटा? सेकेंड एंट्री का नरेशन क्या हुआ? बिल एक्सेप्टेड, हमने बिल क्या कर लिया बच्चों? एक्सेप्ट कर लिया। अब एक हफ्ता पहले मैच्योरिटी से, वन वीक बिफोर, हमने इस बिल को डिसऑनर करवा दिया। अगर नोटिंग चार्जेस लगता तो उसको भी मैं डीआर करता, बट नोटिंग चार्जेस नहीं लग रहा। बीपी डीआर टू मोहन, बीपी डीआर टू मोहन, नरेशन क्या लिखा बच्चों हमने? बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर विद हाउ मच रुपीज? विद द सेम अमाउंट 25,000 25,000 25,000 25,000। अब हम उसको कह रहे हैं हमारे जो मोहन है कि हम इंटरेस्ट देंगे, हम इसके ऊपर क्या देने को तैयार हैं बच्चों? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डीआर या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। और ये पैसे भी हमें किसको देने हैं बच्चों? मोहन को देने हैं। हाउ मच रुपीज? 400 400 इंटरेस्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट टू बी पेड। मोहन का अकाउंट फिर से इंक्रीज हो गया, क्रेडिट क्रेडिट। अब हम नया बिल एक्सेप्ट करेंगे और उसके 30 डेज बाद पेमेंट कर देंगे। चेक कर लो नेक्स्ट एंट्री, मोहन डीआर, मोहन क्रेडिट से डेबिट हुआ बच्चों। देखो सिस्टमैटिक चल रहा है सब, मोहन डीआर टू बीपी, नरेशन क्या होगा? बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। देखिए क्लास ओवर होने वाली है, ये क्वेश्चन सबसे पहले रिटर्न में करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या है? सेम टाइप के एक दो एग्जांपल्स करना जिसमें एंडोर्स बिल डिसऑनर दिखे आपको, राइट? ऑन द न्यू ड्यू डेट, ऑन न्यू ड्यू डेट, बीपी डीआर टू बैंक। क्लास ओवर हो या ना हो, हमारा क्वेश्चन ओवर हो चुका है, कंफर्म्ड बेटा, बीपी डीआर टू बैंक।